उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को लेकर लगातार बैठक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी दूर दूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर पहुँचे हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से मुलाकात करने के लिए। आने वाले की जो निकाय चुनाव है इस समय जो उसको लेकर इनको टिकट मिल जाए और जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएँ उनको लेकर ये लोगों के बीच में जा सके। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैडम ये बताइए कहाँ से टिकट मांग रही हैं? जनपद जालौन से। अच्छा जालौन से। किस लिए? महापौर के लिए मांग रही हैं? पार्षद के लिए? नगर पालिका अध्यक्ष। अच्छा तो हुई बातचीत? हुई किसी से? नहीं हुई अभी, नहीं हुई है किसी। अच्छा, से क्या मुद्दे हैं मैडम? अगर आपको मिलती है तो क्या मुद्दे उठाएंगी आप? पहले मिलने तो दीजिए पहले, उसके लिए तो इतना परेशान हो रहे हैं। जनता की समस्याएं हैं जिनको दूर करेंगी कि टिकट मिलने के बाद करेंगी? नहीं नहीं नहीं, टिकट मिलने के बाद में जो भी आने के अपने उरई शहर का जो भी विकास के लिए हम काम करेंगे, अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप क्या कौन है इसके पहले? इसके पहले हमारे यहाँ अनिल बगोड़ा जी थे। हाँ। लग रहा है पार्टी जो है इस बार महिलाओं को टिकट देगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हाँ ऐसा देना तो चाहिए, महिला सीट है इसलिए जो है महिला कार्यकर्ताओं को ही वरीयता दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी देगी। अच्छा, निश्चित पार्टी पे भरोसा है मैं। अच्छा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए कि जो है भाई साहब ये बताइए कि इस बार निकाय चुनाव जो है क्या लग रहा है, किस तरफ हवा चल रही है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आप देख ही रहे होंगे कि केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की डबल इंजन की विकास की सरकार चली रही है, हर स्तर पर निचले स्तर तक से ऊपर तक काम हो रहा है, तो भाजपा ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि इस बार हम ही हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं कहीं। वो हवा में है, हम धरातल पे हैं। लग रहा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाएं निकाय चुनाव में भी काम आई? बिल्कुल 100% और भाजपा ही इस बार सभी नगर पालिका और सभी मेयर के पदों को जीतेगी। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब टिकट लेने आए हैं, कहाँ के लिए मांग रहे हैं टिकट? फिरोजाबाद मेयर बीसी महिला प्रत्याशी की टिकट है। अच्छा तो चुनाव लड़ा रहे हैं अपने परिवार से? फिरोजाबाद से मैं खुद टिकट मांग रहा हूं अपनी वाइफ के लिए, और बीजेपी से पूरी ताकत से हम लोग को अगर टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगी, पिछली बार जितने वोटों से जीते उससे भी ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है, सपा है भाजपा कौन पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी टिक नहीं पाएगी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एक आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। मुलाकात हुई प्रदेश अध्यक्ष से? जी प्रदेश अध्यक्ष जी से कल मुलाकात हुई थी, और अभी मुलाकात होती है कि नहीं हम लोग प्रत्याशा में। लग रहा है कि टिकट जो है इस बार मिल जाएगा? हाँ कोशिश है पूरी मिल जाएगा टिकट। लोग हैं यहाँ पर, पूरी जो भीड़ है, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जो पूरा प्रदेश कार्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है, और सभी लोग कहीं ना कहीं से उम्मीद लगाए हैं कि इस निकाय चुनाव के लिए उन लोगों को टिकट मिल जाए। भाई साहब भी हैं, भाई साहब टिकट के लिए आए हुए हैं, कहाँ से हैं? हाँ जी। अच्छा और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए भाई साहब इस बार निकाय चुनाव को कैसे देख रहे हैं, किसकी हवा चल रही है? हाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है नहीं जीत रही है इस बार? कार्यकर्ता हैं आप? जी। कहाँ से आए हैं? हाटा से आए हैं। अच्छा टिकट मांग रहे हैं? हाँ। कहाँ के लिए? हाटा से। किस पद की मांग रहे हैं? नगर पालिका परिषद हाटा के लिए। अच्छा तो और मुझे लगता है कि अपने कर्म पे विश्वास है, मुझे पार्टी इस बार उम्मीदवार खड़ा करेगी। समस्याएं देख रहे हैं जिनको दूर करेंगे आप? समस्याएं हैं कुछ आपके इलाके की उसको दूर करेंगे? समस्या जो है इसके पहले भी नगर पालिका का में भारतीय जनता पार्टी ही कायम रहा है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां कायम रहेगी। जनता का पूरा काम किया गया है, जनता का पूरा विकास किया गया है। ठीक धन्यवाद। तो तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं से उम्मीद लगाए हैं कि उनको अपने अपने जिलों में चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल खिला सके। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।